हेलो वेलकम टू आईएमएस। हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने लैग्रांज का फॉर्मूला किया था। अब इस वीडियो में कह रहे हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है ना, ये भी अनइवन इंटरवल के लिए होता है और ये कैसे करता है ये भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अपने पास ये टेबल है ना, ये टेबल में अपने को एक्स टेन दे रखा है, मतलब एक्स की वैल्यू जब टेन होगी तो हमें पता करना है कि भाई हमारे इस नीचे वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। ठीक है, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू टेन होगी तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, तो हम यहाँ पे एक्स हमारा यहाँ पे टेन हो गया, एक्स इज इक्वल टू टेन हो गया, यहाँ पे दे रहा है एक्स इज इक्वल टू टेन हो गया। तो पहले इसकी फॉर्मूले की इसकी है ना टेबल बनानी पड़ती है, कैसे बनती है इसकी इंटरपोलेशन टेबल है ना, वो अपने को देखना है वो कैसे बनती है। ठीक है, इसकी इंटरपोलेशन टेबल ऐसे बनती है कि अनइक्वल होना था ना, तो आप इसको डायरेक्ट वैसे ही बना सकते, आपको थोड़ा चेंजेस करने पड़ते हैं इसमें। कैसे करने पड़ते हैं, दिस माइनस का दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस का दिस। ठीक है, जिसको कर रहे ना उसके पहले को भी डिवाइड करो। ठीक है, तो दिस माइनस का दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस का दिस, तो ये डिवाइड हो गया, रेशियो हो गया इसका और इसका रेशियो हो गया माइनस का, तो यहाँ पे वन आ गया इसका। फिर बाद में क्या, फिर ये सेकंड निकाले तो दिस माइनस का दिस और दिस माइनस का दिस ये आ गया अपने पास इसका रेशियो। फिर बाद में दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 11 माइनस का 9, यहाँ पे अपने पास 1 का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे अब ये नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में होगा ये माइनस का ये दे मतलब 0.33 माइनस का 1 और फिर 9 माइनस का 5, बस बीच की वैल्यू नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये अपन इसकी वैल्यू नहीं लेंगे, ऐसे और ऐसे लेंगे अपन। ठीक है, ऐसे और ऐसे वैल्यू लेंगे, ये और यू की वैल्यू लेंगे, दिस माइनस का दिस, तो मतलब 0.33 माइनस का 1 और फिर बाद में 9 माइनस का 5। ठीक है, फिर बाद में अपन इसके लिए भी सेम टू सेम करेंगे, इसके लिए भी क्या है कि ऐसे और ऐसे वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 माइनस का 0.33 और फिर 11 माइनस का 6। ठीक है, ये अपने पास आ गया 0.134 हो गया। अब लास्ट वैल्यू अपने पास है जो इन दोनों के बेस के ऊपर आएगी, तो इन कैसे करेंगे, इसको और इसको लेंगे फिर अपन, तो क्या हो गया 0.134 माइनस का 0 माइनस का माइनस 0.166। ठीक है, डिवाइडेड बाय 11 माइनस का 5, तो 0.05 अपने पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, 0.05 वैल्यू आ गई इधर की, ये अपने पास ऐसे टेबल बनती है अपनी यहाँ के। ठीक है, ऐसे ये टेबल बनेगी। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें अब इसको टेबल को एक फॉर्मूले में कैसे डालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से बनता है कि आपको याद ऐसे कर लेना है। ठीक है भाई, एफ एक्स नॉट, तो ये होता है एफ एक्स नॉट है ये अपना, ये एफ एक्स नॉट है, ये डेल्टा एफ एक्स नॉट है, ये डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट है और ये डेल्टा क्यूब एफ एक्स नॉट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपने को पता है 10 होती है, तो अब यहाँ पे क्या करें, एफ एक्स नॉट प्लस का मतलब 12 प्लस का एक्स माइनस का एक्स नॉट डेल्टा एफ एक्स, एक्स माइनस का एक्स नॉट डेल्टा एफ एक्स प्लस में एक्स माइनस का एक्स नॉट एक्स माइनस का एक्स वन, क्योंकि अपने को नेक्स्ट वैल्यू चल रही है। ठीक है, तो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स टू डेल्टा क्यूब एफ एक्स, ऐसे चल रही है। तो अपने पास क्या है, एफ एक्स की नॉट की वैल्यू क्या है, अपने पास 12, फिर यहाँ पे कितनी है अपने पास, यहाँ पे 10 माइनस का 5 ले रहे हैं क्योंकि माइनस यहाँ पे 1। ठीक है, एक्स माइनस का एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, अपने पास यहाँ पे 1 आ रही है। ठीक है, फिर वो 5 है एक्स नॉट की वैल्यू, फिर अपना 10 माइनस का 5, 10 माइनस का एक्स माइनस का एक्स नॉट, एक्स क्या है अपना, एक्स अपना 10 है, एक्स नॉट अपना कितना है अपना 5 है, फिर एक्स माइनस का एक्स 1, फिर हमारा 6 आ गया। ऐसे करते करते अपने पास यहाँ पे सारी वैल्यूज आ जाएगी, अपने यहाँ पे नहीं 14.6 अपने पास वैल्यू आ जाएगा। ये होता है अपना न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता है अपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम होती है ना वो ये बनाना होता है, इसमें हमेशा गड़बड़ हो जाती है, तो इसको कैसे बनाना है, दिस इन दोनों का रेशियो, इसका माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, तो इन दोनों जो रेशियो होगा ना माइनस करने के बाद वो इधर आएगा। ठीक है, ऐसे अपने पास यहाँ पे करते हैं, ये होता है अपना न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, अपने डिफरेंस अनइक्वल डिफरेंस के लिए अपन ने यह कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिंपल, थैंक यू वेरी मच, वो नेक्स्ट वीडियो में ट्रेपेज़ॉइडल रूल सिम्पसन रूल लेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू।